तो ये गुफा है, गुफा के अंदर जाना पड़ता है पूरा। देख सकते हो अंदर पत्थर, ये भाई पत्थर पत्थर देख सकते हो, पूरा पत्थर ही पत्थर है। ये है गुफा भाई, और गुफा के अंदर में मंदिर है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऊपर से पानी टपकता है, और पानी हर किसी के हाथ में नहीं टपकता है। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये गणेश जी का मूर्ति, ये पूरा पेड़ में बना हुआ है, ऊपर में पूरा पेड़, ये मोटा सा पेड़ देख रहे हैं, ये तोड़ लिए हैं। और हम हैं आकाश भाई हैं और गौतम भाई हैं। यहाँ पर जो नदी देख रहे हैं, इसी नदी में सब स्नान करते हैं और पेड़ धो के फिर दर्शन करने जाते हैं। सो बहुत ही भयंकर गुफा में मैं घुस गया हूँ, और यहाँ पर देखने आया हूँ सातमुखी जो सर्प है उसको दर्शन करने। सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का आरजे महतो के ट्रेवलिंग लाइफ में। और इस वक्त मैं उड़ीसा में, उड़ीसा में मैं अभी जा रहा हूँ गुप्तेश्वर टेंपल, और मेरे साथ जा रहे हैं आकाश भाई और गौतम भाई, जिनके पास मैं रुका हुआ था। और ये चाचा लोग हैं, बहुत हेल्प किए। नमस्ते। तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, दो दिन से इनके यहाँ रुका, होली वगैरह खेला सब कुछ, और अभी जा रहे हैं गुप्तेश्वर धाम। और ये देख सकते हैं भाई, ये गणेश जी का मूर्ति, ये पूरा पेड़ में बना हुआ है, ऊपर में पूरा पेड़, ये मोटा सा पेड़ देख रहे हैं। ये तोड़ लिए हैं, और हम हैं आकाश भाई हैं और गौतम भाई हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वही मंदिर पे जहाँ पर मैं बता रहा था कि प्रकृति की देवी, और यही पत्ता चढ़ाता है। ये जो देवी हैं, इस देवी का नाम है डाल खाई, जो पत्ती के डाल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो वन वगैरह हैं इनकी रक्षा यही कर। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, देखिए तो सामने बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, और ये भाई पूरे जंगल के बीच में है। सो गाइस, इधर का रास्ता एंड हो गया है, मतलब इस साइड में अगर आओगे तो गुप्तेश्वर ही लास्ट मतलब रास्ता है। इधर पूरा जंगल है, ये नदी है, और इसके उस साइड जो है पूरा छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। यहाँ पर जो नदी देख रहे हैं, इसी नदी में सब स्नान करते हैं और पैर धो के फिर दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दूरी है, लगभग 200-250 मीटर पर मंदिर है। तो फिलहाल हम लोग पैर हाथ धोते हैं फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये है मेन गेट, आप देख सकते हो, एक उतरने का है, एक चढ़ने का है, एक मतलब दो गेट हैं यहाँ पर। और काफ़ी अच्छे से इसको अभी पूरा मॉडिफाई किया जा रहा है, अच्छे से बनाया जा रहा है। यहाँ पर सावन महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि सावन महीने में बहुत सारे लोग पैदल आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा। और अभी उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हर एक सोमवार को भीड़ होता है, अभी भी है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक नया चीज़ देखने को मिला, यहाँ पर टिकट लगता है तब जाके आप दर्शन कर पाएंगे। ये 10 रुपये का टिकट पर पर्सन लगता है। भाई ये टिकट क्यों लगता है यहाँ पर, मतलब मंदिर में दर्शन के लिए? तो दर्शन के लिए तो टिकट नहीं होना चाहिए, जैसे कि भगवान का दर्शन के लिए। मतलब क्यों, ये कि सरकार की तरफ से है ये, क्या सरकार की तरफ से? तो ये देख सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो ये गुप्तेश्वर मंदिर में बिजनेस ही कर सकते हो। तो दर्शन के लिए एक्चुअली कहीं भी कोई भी भगवान का दर्शन के लिए कभी भी कहीं चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है 10 रुपया कोई भी अंदर जाओगे। तो ये हम आ चुके हैं गुप्तेश्वर धाम। तो ये गुफा है, गुफा के अंदर जाना पड़ता है पूरा। देख सकते हो अंदर पत्थर, ये भाई पत्थर पत्थर देख सकते हो, पूरा पत्थर ही पत्थर है। और ये अंदर चले गए हम लोग। नीचे लाइट फिर कहाँ से आ रहा है, वो लाइट जल रहा है क्यों? हाँ, लाइट करंट करंट दिए हैं ना, मना मना है ना। तो भाई यहाँ के बाद और हम वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि देखते हैं अगर अलाव होगा तो शूट करेंगे, नहीं तो फिर जो है कैमरा बंद करेंगे। बाकी ये देख सकते हो गुफा टाइप का एक छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए हम लोग अंदर जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे। देखते हैं आप लोगों को दर्शन करवा पाते हैं कि नहीं, चलिए अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत दिन बाद आई थी, फाइनल लगाई थी।
ले लीजिए, आप दे दो, मैं उनको बता दूंगा। ये सब बंद ही करा। दोस्तों गुप्तेश्वर धाम का दर्शन कर लिया, और गुप्तेश्वर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गुप्त थे। ये जो महादेव जी का जो शिवलिंग देखा आप लोगों ने, ये शिवलिंग के बारे में बहुत लंबी कहानी है, और कहा जाता है कि ये पहले गुप्त रूप में थे, मतलब छिपा हुआ था, और बाद में किसी पंडित को ये सपने में आया, फिर यहाँ पर पूजा पाठ करने लगे। हाँ, रियली में मैंने जो आप लोगों को शिवलिंग दिखाया, वो शिवलिंग के बारे में कहा जाता है, मैंने तो इतना बड़ा आकार देखा, लेकिन कहा जाता है ये छोटा सा था, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ते जाते हैं और मोटाई भी इसकी बढ़ती जाती है, और मैंने भी देखा काफ़ी बड़ा है। इसका रंग भी वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आता है, देखने वाला को भी वैसे ही दिखता है, पहले जैसे दिखता है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे यहाँ पर को इस मंदिर को और भी बनाया जा रहा है अच्छे से, ताकि लोग अच्छे से आके दर्शन कर पाए, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम है यहाँ दर्शन करने के लिए। आने वाले दिनों में अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक आने लगेगी तो अंदर फिर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रास्ता है, पत्थर के नीचे से जाना पड़ता है, ऐसा रास्ता है। बाबा गाइए, कुछ गा रहे थे, गाइए। জবানী গোবিন্দি বদরে ভজুগি না রাম রাম বলুগি না রাম 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 ভজবানী গোবিন্দি বদরে গেয় করিবার পাইয়া মনে দিদি রাজা দেশান্তরে तो यहाँ पर दो कैब भी है, पारावेड़ा कैब और एक स्वर्ग द्वार कैब, तो इस रास्ते से होते हुए जाएंगे। ये है गुफा भाई, और गुफा के अंदर में मंदिर है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऊपर से पानी टपकता है, और पानी हर किसी के हाथ में नहीं टपकता है, तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ मेरे हाथ में टपकता है कि नहीं। तो जो मंदिर है ना, जो पानी टपकता है, काली गाय बोलते हैं, काली गाय। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग पारावेड़ा गुफा, और यहाँ पर पारावेड़ा गुफा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कबूतर बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पर कबूतर को पारा बोलते हैं, पारा जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में पैरा बोलते हैं। अच्छा, इधर से रास्ता है क्या, इधर से जाना है क्या? ये जो गुफा है ना, इस साइड का, हाँ, इस साइड में सप्तफेनी रहते हैं। सप्तफेनी मतलब सा ये वाला सात सिर वाला जो सांप होता है ना, हाँ। वो जब दर्शन किए थे, हाँ, तो वो पत्थर बन के अभी भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। होता भाई ये तो बहुत खतरनाक गुफा है, पत्थर 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 पत्थर। देखो साइड में देख के चलो नीचे। ये शिव जी की प्रतिमा है, और ऊपर से वो पानी गिरता रहता था, गिरता है, लेकिन बहुत देर के बाद में एक ही बूंद गिरता है। सो बहुत ही भयंकर गुफा में मैं घुस गया हूँ, और यहाँ पर देखने आया हूँ सात मुखी जो सर्प है उसको दर्शन करने के लिए। देख सकते हो कैसे पत्थरों में घुस घुस के जाना पड़ता है, और यहाँ से दिखाई देगा सर्पमुखी सतमुखी। ओ भाई क्या ही अच्छा, हाँ भाई सच में यार दिख रहा होगा कि नहीं, ये देख सकते हो वो उधर से आए हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा से अंदर में है भाई, वैसे निकल के, और देख सकते हो लाइट पत्थरों में, तो ये था भाई पंचमुखी ना सर, सप्तमुखी नाग जी, और यहाँ पर भी पूजा पाठ होते हैं देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, लेकिन बहुत पूरा देख सकते हो, मतलब बहुत ही भयंकर वाला ये
गुफा है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और भाई कुछ नहीं है, छोटा सा रास्ता उससे निकलना पड़ता है। चलो तो पूरा गुफा वगैरह घूम लिया, गुप्तेश्वर का दर्शन भी कर लिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से जाऊँगा मैं वैपरगुड़ा, वहाँ से फिर साइकिल लेके फिर सीधा निकलूँगा जो है अपना जयपुर की ओर और आज रात को नाइट स्टे जयपुर में करूँगा। खैर आप लोगों को कैसा लगा गुप्तेश्वर धाम और ये दोनों गुफाएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।